प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेल। लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। क्लास 3 की इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 98, डेट है 27/10/2021, टेस्ट बुक मैरीगोल्ड यूनिट सी सॉन्ग। स्टूडेंट अपना नाम और टीचर का नाम लिखोगे। चलो बेटे देखते हैं। लेट अस लुक एट द क्लाउड गिवन ग्लो केयरफुली एंड सर्कल द थिंग्स दैट यू सी इन द सी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको बेटे क्या है, नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है, आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें दी गई, नीचे थिंग्स दी गई है, आपको वे सर्कल करनी है जो हम समुद्र में देखते हैं। ठीक है, जैसे फिश समुद्र में सी में होती है, शेल होती है, सी हॉर्स होता है, क्रैब होता है, ऑक्टोपस एंड द क्रैब, क्या है ये सारे क्या होते हैं, हमारे समुद्र में मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है। नाउ लेट अस रीड पोएम सी सॉन्ग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अपने टेक्स्ट बुक से आपको क्या है, सी सॉन्ग जो पोएम है आपको रीड करनी है। सेकंड है, देर आर फ्यू नो वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स दिए गए हैं पोएम में, दैट आर शो ब्लो, कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको, रीड देम एंड राइट देम डाउन इन यू। आपको ये जो न्यू वर्ड्स है आप कॉपी में रीड करने हैं, लिखने हैं और साथ के साथ को रीड करने हैं। जैसे शेल, हेल, सरप्राइज्ड, करली, क्लियर, ये आपको नोट डाउन करने हैं कॉपी में, न्यू वर्ड्स लिख के और आप उसको साथ रीड करना है। वंस यू हैव रीड द पोएम, फाइंड आउट द वर्ड्स दैट राइमिंग विद द वर्ड्स गिवन ब्लो। ए हिंट बॉक्स गिवन हैज़ बी गिवन फॉर योर हेल्प। आप जैसे पोएम को रीड करोगे तो आपको मिलेगा कुछ राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कुछ यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, जैसे फाउंड साउंड, कोल्ड बोल्ड। ठीक है, फिर है मम्मी टम्मी, सैंड हैंड, टुक लुक। ठीक है बेटा, आपको ये बनाना है। आप इसको कैसे लिखोगे, आप जैसे कॉल का हमने ये क्या लिया था, बोल्ड ले दिया था, आप यहाँ पे लिखोगे मम्मी, फिर टम्मी, और हमें क्या लिखा था, सैंड हैंड टुक लुक। ऐसे ये रामिंग वर्ड जो पीछे की साउंडिंग हमारे बोलते बस सेम आए। अब है टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग्स अबाउट? इमेजिन केयर देयर डायलॉग, से देम आउट लाउड एंड राइट देयर नोटबुक। यू मे टेक द हेल्प यू एल्डर टू। अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हो आप। यहाँ पे दो मैन है, वुमेन है, वो काम करी, गेहूँ पीस रही है, वो आदमी खड़ा हुआ हो, कह रहे थे पूरा कट्टा पीसना पड़ेगा, वो कह रही हाँ मैं थोड़ी देर में पीसती हूँ। जो भी आप इमेजिन करना आपको कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। अब अभिभावक ले सुझाओ, बातचीत के माध्यम से बच्चों को बताइए जिस तरह से हम पानी की सांस नहीं ले सकते, मसले पाने के बिना बाहर सांस नहीं ले सकते। ठीक है, हमें क्या बताना है कि जैसे हम पानी में सांस नहीं ले पाते वैसे बेटा, वैसे जो फिशेस होती हैं वो पानी के बिना सांस नहीं ले सकती। ठीक है, कोविड से रिलेटेड मैसेज की मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस 6 feet 2 inches, दो गुज की दूरी हमें बनाकर रखनी चाहिए। चलो बेटा, वर्कशीट फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। यदि अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।